पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार से रिक्शा, टेम्पो व बस चालक तथा कंडक्टर, रेहड़ी पटरी दुकान व फल सब्जी विक्रेताओं का विशेष टीकाकरण कैंप का शुभारंभ महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह एवं सीएमओ डॉ. सुधाकर पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन सेंटर पर मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभार्थी वैक्सीन लगवा सकते हैं। वहीं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए लाभार्थियों ने सरकार द्वारा कराया जा रहा टीकाकरण अभियान पर आभार व्यक्त किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लाभार्थी जयदेव चंदन कुमार यादव, उर्मिला एवं महापौर सीताराम जायसवाल तथा सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया। चंदन कुमार यादव, क्या करते हैं आप? सब्जी का बिजनेस करते हैं। आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैसे करते हैं? जैसे यहाँ से फोन गया था, कॉलिंग किए थे, यहाँ से हम लोन लिए थे तो वो वैक्सीन के लिए लगवाने को बुलाए। आपको वैक्सीनेशन हो गया? हाँ हो गया, लग गया। उर्मिला, क्या करते हैं आप? जी जॉब करते हैं नाइन कंपनी में। आपको वैक्सीनेशन के लिए कैसे पता चला? सर फोन गया था यहाँ से। आपको वैक्सीनेशन है? जी जी। समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सर। जय दयाल। क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रीशियन है। आपको यहाँ टीवी करा के बुलाया गया था? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमें जो वैक्सीनेशन है उसको, उसकी स्पीड को बढ़ाना है और मैक्सिमम कवरेज देनी है। उसी के अंतर में जो निर्देश दिए गए हैं, आज जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, जितने भी जो ठेला लगाते हैं, जो काम करते हैं, उनका हमारे पास एक डाटाबेस भी है जो स्वनिधि में पहले कवर किए गए, और राहत का जो अभी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है जिसमें उनको भरण पोषण के लिए भत्ता दिया जाएगा, वो भी एक डाटाबेस है। उसके अंतर्गत आज नगर निगम में एक स्पेशल कैंप लगाया गया जो आगे कंटिन्यू रहेगा, जो इसमें इन सबको कवर किया जाएगा, और उसी के अंतर्गत आज यहाँ पे टीकाकरण का विशेष अभियान चला है। नगर निगम गेस्ट हाउस में कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश में लगाया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत के सभी लोगों को टीका लगे, और इसके तहत सबको जागरूक करना जरूरी है। आज उसी के तहत सीएमओ साहब, नगर आयुक्त साहब, हमारे सीडीओ साहब, हमारे उपसभापति और हमारे नगर निगम के अधिकारी, चीफ इंजीनियर, सहायक नगर आयुक्त के देख रेख में यह टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। यह टीकाकरण उन लोगों के लिए जागरूकता दूंगा और हमारे नगर निगम की टीम ने किया है कि जो फुटपाथों पर
24 घंटा रहते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए आयोजन किया गया था। आज 100 लोगों को हम लोगों ने टीका लगवाया है और लोगों ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ टीका लगवाया है, किसी बिना भेदभाव का। और हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर अफवाह फैलाता है टीकाकरण के बारे में, तो उसका खंडन हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। लोगों को गुमराह करना ये बहुत ही गलत बात है। मैं शहर के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाता है तो उसका खंडन करें, उच्च अधिकारियों को बताएं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत हम लोग शहर के हर कोने में रहने वाले जितने डेली मजदूर हैं, साथ ही साथ ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, फुटपाथ पर हैं, इन सबको वैक्सीनेशन सीएमओ साहब के देखरेख में हम लोग कराएंगे। और हमें उम्मीद है ये प्रयास देश के लिए, समाज के लिए और मानवता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम लोग 100% गोरखपुर में नगर निगम की टीम इसके टीकाकरण के अभियान में जुड़ी है। CDO साहब जुड़े हैं, DM साहब भी जुड़े हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग 100% गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को चलाकर मानवता कल्याण के लिए पहल शुरू हो गई है, हम लोग करेंगे। आज के दिन मैं अपने सभी पदाधिकारियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है उनको बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।